बीते रोज केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के पंख की चपेट में आने से अपनी जान गंवाने वाले उत्तराखंड नागरिक उड्डयन अभिकरण यूकाडा के वित्त नियंत्रक अमित सैनी के घर पर इस समय मातम पसरा हुआ है। अमित सैनी मूल रूप से उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र के रहने वाले थे। दोपहर को हादसे में अमित की मौत की खबर मिलने के बाद सोमवार को जैसे ही अमित का शव घर पहुँचा तो मौके पर चीख पुकार मच गई। बेटे का आखिरी बार चेहरा देखने की उस ममतामयी जिद ने वहाँ मौजूद हर शख्स की आंख नम कर दी। बस एक बार बेटे का चेहरा दिखा दो, यह बोलते बोलते जहां वह कई बार बेहोश हो गई, वहीं अमित की पत्नी और घर के अन्य सदस्यों का भी रो रोकर बुरा हाल था। गमगीन माहौल में परिजनों के अंतिम दर्शनों और परंपरानुसार अंतिम क्रियाओं के बाद अमित की अंत्येष्टि कर दी गई। बताया गया है कि वैसे अमित को रविवार को केदारनाथ नहीं जाना था, वो देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में अपने दोस्तों के साथ मैच खेल रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें केदारनाथ जाने की सूचना मिली, जिस पर वो मैच बीच में ही छोड़कर न केवल अपने दफ्तर पहुंचे बल्कि वहां से केदारनाथ की ओर रवाना हो गए। यह भी बात सामने आई है कि अमित कार से केदारनाथ जाना चाहते थे, परंतु उनके अधिकारियों ने उनसे हेलीकॉप्टर से जल्दी पहुंचने की बात कहते हुए हेलीकॉप्टर से ही जाने को कहा। अगर अमित ने अधिकारियों की सलाह न मानते हुए हेलीकॉप्टर का सफर न किया होता तो शायद उनकी जान बच जाती। आपको बता दें कि अमित अपने पीछे भरे पूरे परिवार को रोता बिलखता छोड़ गए हैं। उनके परिवार में उनके माता पिता, एक छोटे भाई और एक बहन के अतिरिक्त पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं। उनका बड़ा बेटा रिद्विन 8 साल का है, जबकि छोटी बेटी लिमिनिस की उम्र महज 5 साल है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।